दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। थ्री आइडेंटिकल वेसल्स ए बी सी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ आइस एट 0 degrees Celsius। आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट्स आर देयर। द टर्मिनल वोल्टेजेस आर VA इक्वल्स टू 380 वोल्ट, VB इक्वल्स टू 220 वोल्ट, VC इक्वल्स टू 110 वोल्ट। अगर सारे आइस ए पर मेल्ट होता है 4 मिनट पे और बी पे मेल्ट होता है 20 मिनट्स पे, तो सवाल यहां पर ये है जो सी पर मेल्ट होने में टोटल कितना टाइम लगने वाला है। अरे ये एज्यूम कर लेना है जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, जो वेसल्स है और आइस है, वो जब तक मेल्ट नहीं होता है तब तक 0 degrees Celsius पर ही मेंटेन्ड है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो एक चीज, ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेयर पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस तो होगा ही होगा, और क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है परफेक्टली डाइमेंशंस वगैरह, तो एक बात तो निश्चित है जो हमारा रेट ऑफ लॉस टू एटमॉस्फेयर विल बी सेम थ्रूआउट, क्योंकि मेल्टिंग के दौरान तो कहीं पर भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ है, एंड ऑल्सो इन ऑल थ्री वेसल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी बोल सकता हूं, लेट हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑल आइस इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है टू द एटमोस्फियर, तो मैं जनरली एक चीज तो लिख ही सकता हूं जो इफ T is the time of melt. If T is the time of melt, so try to realize the total power delivered will be V square by R into T. So that will be equal to the total heat supplied plus loss due to the atmosphere. रेट ऑफ लॉस तो हमारा फिक्स रहेगा, टाइम टी अगर हमारा ये है तो हम डेफिनेटली एक चीज जो है ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब मैं तीनों वेसल के लिए अगर देखना चाहूं तो फर्स्ट वेसल के लिए मैं लिख सकता हूं या नहीं, 380 स्क्वायर बाय आर, क्योंकि टी हमारा 4 है तो एच बाय 4 प्लस एल, एंड 220 स्क्वायर बाई आर, दैट विल बी एच बाई 20 प्लस एल, ये तो हमारा 20 मिनट पे मेल्ट होता है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन को पर मिनट पे कर रहा हूं, पावर का कैलकुलेशन को बाहर में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट आई कैन राइट इज, इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो एच बाई 5 will be 380 square minus 220 square by R. So that will be 160 into 600 by R. So jo hamara heat ka requirement hai, that will be 800 into 600 divided by R. और जो हमारा L है अगर मैं यहां पर देख लूं, that will be 20 into 20 by R into 220 square minus 220 square by R minus h by 20, that will be
ये हमारे पास आ जाएगा। इस पे अगर मैं ध्यान दूं, ये मेरे पास आ जाएगा 24000 और ये है मेरा 484000 -24000 बाई आर, यानी 24400 बाई आर। ये हमारा रेट ऑफ हिट लॉस है। तो लास्ट वाले केस पे जहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पावर डिलीवर्ड जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 110 स्क्वायर बाई आर, यानी 12100 बाई आर। एंड ट्राई टू रियलाइज ये हमारा एल से कम है, यानी पूरा जितना तुम डिलीवर करोगे ये पूरा का पूरा हमारा हीट लॉस पर ही निकल जाएगा, बर्फ को कुछ मिलेगा ही नहीं। दैट सिंपली इंप्लाइज आइस विल नेवर मेल्ट। आइस जो है वो किसी भी हालात पर हमारा मेल्ट नहीं होने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टेंस आफ्टर द पैसेज ऑफ करंट चेंजेस बाय डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक है, एट स्टेडी स्टेट ऑब्वियस सी बात है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नाउ मेड ईटा दैट विल बी 0.8 टाइम्स, ऑल अदर कंडीशंस आर कंप्लीटली अनचेंज्ड। यहां पे जो हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर है दैट इज मच मच लेस देन द लेंथ ऑफ इट, वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस विद द सराउंडिंग इन द न्यू केस। सेल हमारा सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इनिशियली एक बात को ध्यान दें, ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी का जो चेंज है उसको नेग्लेक्ट करना है हमें, यहां पर मान लो वी नॉट का बैटरी है, तो यहां पर इस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर थीटा है और बाहर का टेम्परेचर अगर थीटा नॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हीट रेडिएट करेगा लाइक दिस। अच्छा, जो हमारा रेट ऑफ हीट रेडिएशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, पहली बात तो ये है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ए, एंड स्मॉल आर बहुत छोटा दिया हुआ है, तो हम जो फ्लैट सरफेस का सरफेस एरिया है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, यानी दैट इंप्लाइज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो हमारा कितना होता है 2πRL। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एट ए स्टेडी स्टेट पावर ड्यू टू आई, जो हमारा करंट के चलते जो हमारा पावर होगा, दैट पावर ड्यू टू आई विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट रेडिएशन। ये चीज हम सिंपली बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, V तो दोनों में सेम ही होगा, तो V स्क्वायर बाय R रो L बाय पाई R स्क्वायर। So that will be some constant C
into the initial length L into theta minus theta naught. और बात पे अगर हम ध्यान दें, v स्क्वायर बाय रो 0.8 L by pi r square, that will be c into 0.8 L theta dash minus theta naught. बाकी तो कोई बदलाव हमारा नहीं आने वाला है. सो अगर हम ध्यान दें, अगर हम कॉन्स्टेंट टर्म, इसको हम लोग बोल देते हैं सी एल इंटू डेल्टा थीटा वन और 0.8 सी एल डेल्टा थीटा टू. हमें डेल्टा थीटा टू निकालना है तो सिंपली हमें इन दोनों चीजों को डिवाइड करना चाहिए. तो 0.8 इंटू डेल्टा थीटा टू बाई डेल्टा थीटा वन, जब मैं यहां पर डिवाइड करूंगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1/0.8. सो दैट इंप्लाइज डेल्टा थीटा टू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा वन बाई 0.8 का होल स्क्वायर. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल बी 16/0.8 इंटू 0.8. तो पहला हो जाएगा 20/4.5. तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस एट स्टेडी स्टेट. हाँ, ऑब्वियसली बात है ये अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शनैलिटी लाना बहुत मुश्किल है, प्रोपोर्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड इन दैट केस दैट क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली अनसॉल्वेबल. वी आर एज्यूमिंग ऑल हीट इज रेडिएटेड ओनली फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर कटिंग के बदले स्ट्रेचिंग किया हुआ है, यहां पर स्ट्रेच किया है, वहां पे तो हमारा बाकी कंडीशंस को अनऑल्टर्ड रखा था, यानी कट कर दिया था बस लेंथ को, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं हुआ था. बट यहां पर क्या है, इन अ लैब द रूम टेम्परेचर इज 0 degree Celsius, द टेम्परेचर ऑफ द सिलिंड्रिकल कंडक्टर इन द स्टेडी स्टेट इज 20√2 degree Celsius, द सिलेंडर इज नाउ स्ट्रेच टू इटा इक्वल्स टू 2 times, जो रेजिस्टिविटी है उस पर कोई बदलाव नहीं होता है. Find the new temperature in steady state for the same cell. अच्छा, again हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो गिनेंगे, जो रेडिएट कर रहा है वो केवल हमारा स्लैंट सर्फेस कर रहा है, ये assumption हमारा रहने वाला है. ठीक है, ये assumption हम रखेंगे जो केवल और केवल कर्व सर्फेस से ही हो रहा है, small r is much much less than L. अच्छा, obvious ही बात है, हमने अगर स्ट्रेच किए है तो L अगर हमारा 2 times हुआ है, यानी अब जनरल अगर मैं करूं तो ईटा टाइम्स अगर हुआ है तो एरिया जो हो जाएगा वो 1/ईटा टाइम्स होगा. तो रेजिस्टेंस आर दैट इज रो एल बाय ए दैट विल बी ईटा स्क्वायर टाइम्स. तो सेम सेल के लिए जो हमारा पावर हो जाएगा 1/ईटा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा. अच्छा, सो इनिशियली जो हमारा पावर था P1 दैट विल बी सम कांस्टेंट 2πRL इनटू डेल्टा थीटा वन था, और जो हमारा बात का पावर होगा P2. ठीक है, अच्छा अगर एरिया 1/ईटा टाइम्स होगा तो रेडियस 1/√ईटा टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 2πR√ईटा इंटू ईटा एल
and try to realize P2 will be nothing but P1 by eta square. And simply अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास this divided by this यानी 1 by eta square will be theta 2 by delta theta 1 2 pi RL gone into root eta, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो कितना आ जाएगा मेरे पास डेल्टा थीटा 2 अगर हम कंसिडर करें तो डेल्टा थीटा 2 जो बाय द वे डेल्टा थीटा 1 सराउंडिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है तो डेल्टा थीटा 1 सिंपली 20√2 आएगा डिवाइडेड बाय ईटा टू द पावर 5/2। ठीक है, इसको यहां पर ले आऊंगा तो ईटा टू द पावर 5/2 हो जाएगा तो that will be simply equals to 20√2 divided by 4√2 so this will be equals to 5 degrees Celsius और क्योंकि lab temperature हमारा 0 degrees Celsius ही है तो final temperature जो हमारा होगा steady state में that will simply come out to be equals to 5 degrees Celsius। similar question है, एक में डायरेक्टली कट कर दिया था और एक में स्ट्रेच किया था तो रेडियस वगैरह का भी इफेक्ट पड़ा है, बाकी जो मेथड ऑफ एनालिसिस है इस पे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाली है। ओके ओके, अ स्मॉल बट अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज इन द कॉन्सेप्ट, ध्यान दो, हमारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट है जो यूनिफॉर्म है बट बीच में एक सेक्शन जो है उस वाले सेक्शन पे जो हमारा रेडियस है, ठीक है, उस वाले सेक्शन में जो हमारा रेडियस है वो बाकी सेक्शन का मेरा हाफ है, बाकी सेक्शन का जो है वो मेरा हाफ है। अगर स्टेडी स्टेट में, अच्छा ये जो हमारा है ये पूरा वैक्यूम में रखी हुई है, स्टेडी स्टेट में अगर मोटे पार्ट पर हमारा टेम्परेचर जो है वो 2000 केल्विन है तो ये वाला जो पार्ट है उसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, अच्छा ये एज्यूम करना ये टेम्परेचर यहां पर अचानक से बदला होता है यानी कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह कुछ नहीं है इसके अक्रॉस और जो हमारा कर्व सरफेस है उसी के थ्रू हमारा हीट फ्लो कर रहा है, बाकी तो हमारा रेडिएट कर रहा है, यहां पे और कहीं पर कोई चीज नहीं है, मतलब फ्लैट सर्फेस वगैरह को कंसिडर नहीं करना है। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, ये वैक्यूम है तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा 0 केल्विन है, अभी तक हमारा जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है टेम्परेचर डिफरेंस काफी कम था, इस कारण पे मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई किया। हियर टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी हाई we have to use Stefan's law, यहां पर हमें Stefan's law का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें proportional to the T1 to the power 4 minus T2 to the power 4 करना पड़ेगा। अच्छा ऑब्वियसली बात है यहां पर दोनों के थ्रू जो हमारा करंट होगा I वो तो हमारा सेम ही होने वाला है। अच्छा यहां पर कोई भी अगर मैं जनरल एक यूनिट लेंथ का टुकड़ा मैं काट लेता हूं और यहां पर भी मैं एक यूनिट लेंथ का टुकड़ा काट लेता हूं सो जो हमारा थिक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी और जो हमारा लाइट अप छोटा वाला पार्ट का स्मॉलर पार्ट का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा पर यूनिट लेंथ A2 एंड A2 विल बी नथिंग बट A1/4 सो ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी 4 RT। करंट तो दोनों में सेम होगा ही होगा तो सिंपल सी बात है
जो हमारा पावर ऑफ द स्मॉलर पार्ट होगा दैट विल बी 4 टाइम्स द पावर ऑफ द थिकर पार्ट पर यूनिट लेंथ। तो कुछ तो लेंथ मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहां का देखो यहां पर आत्मनिर्भर भारत वाली कहानी है, यानी जो इस पार्ट में हीट प्रोड्यूस होगा उसी को रेडिएट करना पड़ेगा क्योंकि हर पार्ट जो है वो अपना थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके किया हुआ है। तो कोई भी तुम एक लेंथ का सिलेंडर काट लो, दोनों पे इक्वल लेंथ को काटोगे तो कंपेयर करना आसान पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं रेट ऑफ रेडिएशन देखूं, पावर ड्यू टू रेडिएशन ऑफ द थिकर पार्ट अगर मैं देखूं तो सिग्मा एप्साइलन इंटू 2 पाई आर थिक इंटू 1 इंटू टी ऑफ थिक टू द पावर 4 होगा। सेम मटेरियल से बना है तो एमिसिविटी तो सेम ही होगा, तो रेडिएशन पावर ऑफ द स्मॉलर विल बी R smaller that will be R thicker by 2 so अगर हम ध्यान दें power of radiation of the smaller part by power of radiation of the thicker part if I see that will be Ts to the power 4 by t thick to the power 4 और अगर मैं डिवाइड जब मैं करूंगा तो यहां पर into 1 by 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, into 1 by 2 जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, राइट ओके। सो नाउ सिंपली अगर हम ध्यान दें दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4 सो Ts to the power 4 will be 8 into T thick to the power 4. तो जो छोटे वाले पार्ट का टेम्परेचर होगा that will be 8 to the power of 1 by 4 into 2000 Kelvin. So that will be the temperature of the स्मॉलर पार्ट। हमें बेसिकली यहां पर मेन डिफरेंस जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू यूज द स्टीफन्स लॉ क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हमारा स्मॉल नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जो टेम्परेचर डिफरेंस हमें स्मॉल दिया हुआ है या नहीं, यानी कम से कम 50-60 डिग्री सेल्सियस के अंदर हो, फिर तो हम बेझिझक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं, बट अदरवाइज जो है वो हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है, उस सिलिंड्रिकल वायर का मास जो है वो है हमारा m, ठीक है, एंड इनिशियली जो हमारा टेम्परेचर था वो हमारा t नॉट ही था जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है, एंड इसको इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारा r है जो प्रैक्टिकली टेम्परेचर इनवेरिएंट है वो एज्यूम कर सकते हो। कंडक्टर का जो मास है वो है m, जो स्पेसिफिक हीट है वो है s, मेल्टिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, एवापोरेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो इसको अगर मैं बैटरी v के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो इसका टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है। नाउ ट्राई टू रियलाइज यहां पर दो चीजें होंगे, एट एनी इंस्टेंट मान लेता हूं जो टेम्परेचर हमारा टी है, तो जो हमारा थर्मल पावर होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, और जो हमारा रेडिएशनल पावर होगा दैट विल बी माइनस के इंटू टी माइनस टी नॉट। तो जिस रेट पे हमारा पावर एक्यूमुलेट हो रहा है दैट विल बी वी स्क्वायर बाय आर माइनस के टी माइनस टी नॉट,
एंड ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी MS dT बाई dt, क्योंकि इसका मास से स्पेसिफिक हीट दे रखा है। अभी तक हमने स्पेसिफिक हीट वाला फैक्टर को नजरअंदाज किए थे, सब कुछ हम रेडिएट करवा दे रहे थे, यानी स्टेडी स्टेट तुरंत अटेन होगा हम एज्यूम कर रहे थे। पर अगर मास और स्पेसिफिक हीट हम एज्यूम करेंगे तो स्टेडी स्टेट अटेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड बिफोर दैट द नेट रेट ऑफ पावर एक्यूमुलेशन इज द नेट चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी इन साइड द कंडक्टर, एंड दैट इज गिवन बाय नथिंग बट MS × dT। वो हमारा हीट होता है, तो उसका पावर यानी उसका रेट ऑफ चेंज। यानी सिंपली अगर हम ध्यान दें, MS dT डिवाइडेड बाय V² / R प्लस KT0 माइनस KT दैट विल बी इक्वल्स टू dT। एंड नाउ वी हैव टू सिंपली इंटीग्रेट at t = 0, it will be t0, it will be t। तो अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, MS - KLn, ये वाला क्वांटिटी, तो V² / R प्लस KT0 माइनस KT divided by V² / R that will be simply equals to T. So what I can write is 1 plus minus KR by V² T minus T0 e to the power minus KT/MS। So, जो हमारा टेम्परेचर होगा टी, दैट विल बी इक्वल्स टू T0, ठीक है, प्लस V² / KR इंटू 1 - e to the power - KT/MS। So that will be the value of temperature at any general instant। और अगर हमें steady state temperature निकालना है तो temperature at the steady state T tending to infinite हो जाएगा, तो ये वाला quantity 0 हो जाएगा, तो T final will be T0 plus V² / KR। That is pretty simple and straightforward। अगर स्टेडी स्टेट निकालने बोलता तो फिर मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपली हम रेट ऑफ रेडिएशन इन द फाइनल केस और V² / R को हम इक्वेट करते और वहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ निकल वायर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इंक्रीजेस बाय Δ θ टू द 100 degree Celsius आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। रो इक्वल्स टू रो नॉट, रो नॉट जो है वो हमारा सरफेस सराउंडिंग टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी है। 1 + α (Δ θ) जहां पे अल्फा का वैल्यू है 0.005 केल्विन इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इफ द वेयर ऑफ हाफ लेंथ इज नाउ यूज्ड, फाइंड द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जब फाइनली स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो फाइनली जो हमारा थर्मल पावर होगा दैट विल बी द रेडिएशनल पावर। ओके, अब अगर हम ध्यान दें, जो हमारा इनिशियली था यानी पूरा लेंथ को जब मैं इस्तेमाल किया था, जो हमारा थर्मल पावर था दैट विल बी V² ρL/A, ये हम लिख सकते हैं। और जो हमारा रेडिएशनल पावर था, ध्यान देना जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो हमारा लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है,
तो सी इंटू एल इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये वाला चीज को अगर हम देखें, वी स्क्वायर ए बाई रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एल, दैट विल बी सी एल इंटू डेल्टा थीटा। यानी अगर हम ध्यान दें तो एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। ये चीज हम साफ साफ लिख सकते हैं। और अब जो लेंथ है उस लेंथ को मैंने आधा कर दिया हूं, ठीक है। सो अगर हम ध्यान दें, एल स्क्वायर इंटू हंड्रेड दैट विल बी नथिंग बट 1.5, दैट विल बी एल स्क्वायर बाय 4 इंटू डेल्टा थीटा डैश। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक काम करते हैं, डेल्टा थीटा डैश को हम मान लेते हैं x इंटू 100, क्योंकि कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारा कम हो जाए। डेल्टा थीटा को मैं मान लेता हूं x इंटू 100, हमेशा ही मान सकता हूं, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, ये 4 यहां पर आएगा तो दिस विल बी 600, 100x 1 प्लस x बाई 2, यानी x इंटू x प्लस 2 दैट विल बी 12, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा x विल बी माइनस 2, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, 4 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, यानी रूट 13 माइनस 1। रूट 13 इफ वी कंप्यूट इट कम्स आउट टू बी 3.605, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2.60, 5 आता है 6, इतना ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा एक्स है, तो हमारे पास जो डेल्टा थीटा का वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली 260.6 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रेफाइट रेजिस्टर डिपेंड्स एज आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू वन माइनस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। ऑब्वियसली यहां पर माइनस होता है क्योंकि ये हमारा कार्बन रेजिस्टर है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो जाती है। यहां पर थीटा नॉट जो है वो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, और जो हमारा रेडिएशन वाला पावर है जो लॉस है दैट इज गिवन टू बी बीटा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। सो वी हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, दैट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर को अगर मैं थीटा एस मान लेता हूं तो v स्क्वायर बाई आर एट अ स्टेडी स्टेट मस्ट बी इक्वल्स टू बीटा एट अ बीटा इंटू स्टेडी स्टेट टेम्परेचर माइनस थीटा नॉट। एंड व्हाट यू कैन राइट इज v स्क्वायर बाई आर नॉट विल बी इक्वल्स टू बीटा, ये वाला क्वांटिटी को मैं x बोल दे रहा हूं, 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वांटिटी को मैं x बोल दे रहा हूं, सो बीटा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इतना आसान क्वेश्चन आपने क्यों उठाए हो, इसमें एक मस्त चीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन को मोर देन वन करेक्ट भी पूछा जा सकता है, and then we have to realize it's not more than one correct. Let's see.
लेट्स सी। चलो तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स प्लस वी स्क्वायर बाई आर नॉट दैट विल बी जीरो। ओके, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी एक्स विल बी बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इंटू वी स्क्वायर बाय आर नॉट डिवाइडेड बाय टू अल्फा बीटा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू वन बाय टू अल्फा। वन बीटा को अंदर डाल दूंगा तो वन माइनस फोर अल्फा बाय बीटा इंटू वी स्क्वायर बाय आर नॉट। ये हमारे पास आ जाएगा थीटा एस माइनस थीटा नॉट का वैल्यू। तो सिंपली हमारे पास थीटा एस जो आएगा दैट विल बी थीटा नॉट प्लस ये वाला क्वांटिटी। Apparently it's a pretty simple and straightforward question, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा एस का दोनों वैल्यू जो है वो हमारा अलाउड है। तो अब सवाल यहां पर उठता है जो विच साइन टू कंसीडर। प्लस और माइनस कौन सा साइन को हमें कंसीडर करना है, प्लस को या फिर माइनस को, ये चीज हमें यहां पर निकालनी है। ट्राई टू रियलाइज बोथ द वैल्यूज आर रियल, इसमें एक भी वैल्यू कोई इमेजिनरी नहीं है। सो ट्राई टू रियलाइज अगर हम भूल जाते हैं रेडिएशन के बारे में, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस हमारा कम होती रहेगी, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा और रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बढ़ने के कारण और टेम्परेचर भी ज्यादा है, जो थर्मल पावर है, जो रेडिएशनल पावर है लॉस, वो भी हमारा इंक्रीज तो करेगा ही करेगा। And now we have to realize one particular thing. जब सबसे पहले initially theta s हमारा theta naught था और temperature धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, if I am starting with theta naught, तो सबसे पहले जो lower value होगा वही पे हमारा equilibrium set हो जाएगा और फर्दर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा। राइट, सो नाउ वी हैव टू रियलाइज वन मोर थिंग। जो इनिशियली क्योंकि हमने रेजिस्टेंस का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल ही रखे थे, तो जो हमारा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा दैट विल बी थीटा नॉट प्लस टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर अल्फा बाय बी वी स्क्वायर अपॉन आर नॉट। लेकिन वहीं पे अगर मैं टेम्परेचर को जो है मैं ये वाले वैल्यू से बड़े वैल्यू पर सेट करके फिर मैं करंट फ्लो कराऊंगा, तो इवेंचुअली वापस प्लस वाला जो है वो हमारा वैल्यू हिट हो जाएगा। यानी जो हायर टेम्परेचर वाला है वो तभी अटेन हो पाएगा अगर मैं इनिशियल वैल्यू को लोअर टेम्परेचर से ज्यादा रखता हूं, लेकिन अगर इनिशियल टेम्परेचर इस लोअर वैल्यू से भी कम है तो इन दैट केस ट्राई टू रियलाइज जो प्लस वाला वैल्यू है हम अटेन ही नहीं कर पाएंगे, लोअर वैल्यू पर ही हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा
सेट हो जाएगा। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। जो मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ है एल और हमारा रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, उसका रेजिस्टिविटी जो है वो सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस एक्स पर वेरी करता है एज अ रो इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, और इसके का पूरे का जो थर्मल कंडक्टिविटी है इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू के। यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है और पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, एल आर से बहुत बड़ा है यानी फ्लैट सर्फेसिस का इफेक्ट को हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है जो करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी जनरल जगह पर जे कितना होगा, द टेम्परेचर एट अ स्टेडी स्टेट ऑफ द सर्फेस वो हमें निकालना है, ठीक है, एंड ये भी निकालो जो हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट ही, ठीक है। ओके तो सबसे एकदम स्टार्टिंग में देखते हैं, हम एक बहुत छोटा सा अगर मैं टुकड़ा काटता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, मैं अगर एक dx का पतला सा स्ट्रिप देखूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, अगर मैं एक dx का पतला सा स्ट्रिप देखूं तो इस वाले स्ट्रिप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा, इसका जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा That will be simply rho capital L by A, यानी 2 pi x into dx। ये हमारा R बहुत बड़ा आएगा बट पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा V naught ही है इसके अक्रॉस, तो इसके थ्रू जो मेरा टोटल करंट फ्लो कर रहा है I, तो टोटल करंट फ्लो जो हमारा करेगा दैट विल बी सिंपली वी नॉट, इसको डी बोल सकता हूं मैं, वी नॉट बाई आर, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई तो करंट विल बी वेरी स्मॉल, तो वी नॉट इंटू टू पाई एक्स डी एक्स बाई रो इंटू एल, ठीक है, ये हमारे पास डी आई आ जाएगा इस वाले पार्ट के लिए। तो अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जे जो होगा दैट विल बी डी आई बाई डी ए, टू पाई एक्स डी एक्स इज नथिंग बट डी ए, सो दैट विल बी वी नॉट बाई रो एल, सो दैट विल बी रो का वैल्यू है ए बाई एक्स स्क्वायर, वी नॉट बाई ए एल इन टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास करंट डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा। अच्छा, और जो हमारा जे होता है वो होता है ई बाई रो, तो जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी रो इन टू जे, सो दैट विल बी सिंपली वी नॉट बाई एल, वो तो होना ही पड़ेगा, वो तो हमारा हर पॉइंट पे सेम होना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, एल लेंथ पे टोटल ड्रॉप हर पॉइंट पे आइडेंटिकली होना चाहिए, सो जे हमारे पास ये आ जाएगा। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन, द करंट डेंसिटी जो है वो हमारा हो चुका है, अब टेम्परेचर जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, नाउ लेट्स कैलकुलेट रेट ऑफ जूल हीटिंग। नाउ लेट्स कैलकुलेट द रेट ऑफ जूल हीटिंग, ठीक है। जूल हीटिंग निकालने के लिए ये वाला जो मैंने टुकड़ा काटा हूं, यहां पर जो मेरा छोटा सा पावर हो रहा है डीपी, दैट विल बी वी स्क्वायर बाई आर, यानी v स्क्वायर बाय रो l इंटू टू पाई एक्स डी एक्स
और यहां पर ए एल हो, ए लिख देता हूं, यहां पर एक्स क्यूब कर देता हूं। तो पूरे के पूरे में जो हमारा पावर जनरेट होगा पी, दैट विल बी नथिंग बट ए टू पाई वी स्क्वायर बाय ए एल इंटीग्रल एक्स क्यूब डीएक्स फ्रॉम जीरो टू आर, एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू पाई वी स्क्वायर आर टू द पावर फोर बाई टू ए इंटू एल। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा, प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा टोटल पावर है। इस रेट से अंदर जूल हीटिंग जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ रेडिएशन होना पड़ेगा सरफेस पे। तो के इंटू टी एट अ स्टेडी स्टेट माइनस टी नॉट, that will be pi v square r to the power 4 by 2 a into l। ठीक है, so हमारे पास जो surface का steady state temperature आ जाएगा that will be t naught plus k into pi v square r to the power 1 by k into pi v square r to the power 4 by 2 al आ जाएगा। That is the steady state temperature of the surface. And now for the last part, हमें axis में general कोई भी point पे हमें temperature निकालना है, उसके लिए thermal conductivity का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहां पर लेफ्ट राइट में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इस डायरेक्शन के अराउंड टेम्परेचर ग्रेडियंट तो जीरो होगा, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल पार्ट जो है वो तो हमारा यूनिफॉर्म सिचुएशन पे है, बट अलोंग द एक्सिस डेफिनेटली हमारा एक टेम्परेचर ग्रेडियंट तो होने वाला है। यानी मैं इसके लिए अगर साइड व्यू के बारे में सोचूं तो ध्यान देना, ये मेरा सरफेस है जहां से हीट रेडिएट कर रहा है समथिंग लाइक दिस, और अब अगर मैं एक्सिस से कोई भी जनरल दूरी एक्स पर एक डीएक्स का टुकड़ा में काटने के बारे में सोचूं, ऑब्वियसली जिस रेट से हीट बाहर जा रहा है ड्यू टू रेडिएशन, उसी रेट से ये वाला कोई भी स्ट्रिप के थ्रू हमारा कंडक्शन जो है वो हमारा होना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो अगर हम ध्यान दें, स्टेडी स्टेट जब हमारा अटेन हो चुका है तो ये बीच वाले रीजन पे जितना भी जूल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो सारे वाया कंडक्शन इस वाले स्ट्रिप के थ्रू हमारा निकल जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है टेम्परेचर पे बदलाव आना तो बंद हो गया है। तुम बोलो सर इसी स्ट्रिप के अंदर क्यों नहीं गिन रहे हो, यार वो प्रैक्टिकली नजरअंदाज किया जा सकता है। तो ये एक्स रेडियस तक टोटल जितना हमारा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है वो सारे वाया कंडक्शन हमारा बाहर निकलना चाहिए। नाउ अगर हम ध्यान दें जो टोटल हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ है, एक्स दूरी तक कितना प्रोड्यूस होगा, बस हमें एक छोटा सा बदलाव लाना पड़ेगा, जो यहां पर हमें जीरो टू एक्स लाना पड़ेगा, ठीक है, रेदर देन वी गो फॉर द जीरो टू आर। तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी पाई वी स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय 2a into l। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू k, एरिया जो है वो है 2 पाई xl, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो है dt डिवाइडेड बाय dx। अच्छा, अब हमें साइन देखना पड़ेगा, ये साइन सब सही है या नहीं है। ध्यान दो, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा टेम्परेचर हमारा कम होगा, क्योंकि हमने हीट फ्लो का डायरेक्शन ये माने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव टू पुट एन एडिशनल माइनस साइन
ओवर हियर। सो नाउ अगर हम ध्यान दें इसमें क्या जा रहा है मेरे पास, पाई पाई चला गया है, सो वी स्क्वायर बाई फोर ए के एल स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी टी, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, होप बाकी कुछ मिस तो नहीं किया हो ना। वी स्क्वायर सही है, ये टू टू आ जाएगा, फोर हो जाएगा, ए होगा, के होगा, एल स्क्वायर होगा, हाँ सही है। एंड नाउ ध्यान देना, वी हैव टू बी बिट केयरफुल, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो, बट वी नो when x is r, t is the surface temperature that we have find out, and when x is x, t is t, तो v square by 4 यहां पर 16 आ जाएगा, 16 k l square r to the power 4 minus x to the power 4, ये माइनस को खत्म कर दो, उसको तो मैंने वहां पे डाल दिया हूं, t minus ts। तो हमारे पास जो कोई भी जनरल जगह पर जो टेम्परेचर आएगा दैट विल बी टी एस प्लस वी स्क्वायर बाई 16 के कैपिटल आर टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, एंड वी हैव टू ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ द टी एस दैट विल बी टी नॉट 1 बाई स्मॉल के पाई वी स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई 2 ए एल प्लस वी स्क्वायर बाई 16 ए के एल स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4। सो दैट विल कम आउट टू बी द टेम्परेचर एट अ जनरल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमें एक्सिस का टेम्परेचर निकालने बोले, सिंपली इस पे एक्स के जगह पर जीरो पुट कर दो, वहां पर हमें एक्सिस का टेम्परेचर जो है वो वहां से मिल जाएगी। ओके ओके दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक परफेक्टली एडियाबैटिक कंटेनर है, ठीक है, इस पे एक तरफ H2 गैस है और एक तरफ हीलियम गैस है, और बीच में एक एडियाबैटिक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, परफेक्टली एडियाबैटिक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले का H2 वाले का जो वॉल्यूम है वो है V1, राइट हैंड साइड वाले का वॉल्यूम है V2, एंड जो हमारा हाइड्रोजन का मास मैंने गैस का लिया हूं वो है M1, हीलियम का लिया हूं M2। मॉलिकुलर वेट ऑफ H2 इज M1 एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ हीलियम इज M2, ठीक है। मैंने यहां पर एक दो थर्मल हीटर जो है वो मैंने लगा रखा हूं, दे बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर कोई भी इंस्टेंट पे हाइड्रोजन का टेम्परेचर टी है, उस टाइम पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा R1, दैट R1 इज गिवन टू बी R0 प्लस ए कैपिटल टी, सो वी हैव टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ R2 विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इफ द पिस्टन डजेंट मूव इवन वेन द करंट इज प्रोड्यूस्ड। करंट जो है वो हमारा जब प्रोड्यूस हो गया है उसके बाद भी अगर हमारा मूव नहीं करता है तो इस सेकेंड वाले का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमें निकालने की जरूरत है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जो अगर हम मोल्स के बारे में बात करें, तो हाइड्रोजन वाले पे नंबर ऑफ मोल्स होगा M1 बाई कैपिटल M1, और हीलियम वाले पे मोल्स होगा M2 बाई कैपिटल M2। अच्छा, प्रेशर इन बोथ साइड इज इक्वल्स टू, वो तो सेम ही होगा क्योंकि पिस्टन हमारा मूव नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं, पीवी
N1RT1 and PV2 N2RT2। ये जो दो टर्म है वो तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, दोनों में करंट जो होगा वो तो हमारा सेम ही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, dQ1/dt दैट विल बी I²R1। अच्छा, ये R के साथ कंफ्यूज मत करना। एंड dQ2/dt दैट विल बी I²R2। एंड बाय द वे ध्यान देना, यहां पर तो केवल और केवल टेम्परेचर ही बढ़ सकता है, पिस्टन नहीं मूव कर रहा है, तो वर्क डन तो हमारा जीरो है। सो दैट विल बी N1CV1 dt एंड दिस विल बी N2CV2 तो अगर हम ध्यान दें, जो हमारे पास आएगा (1/R1)(N1CV1) (5R/2) (dt1) (1/R2)(CV2)(dt2) right. So now if we realize यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें क्योंकि पिस्टन नहीं मूव कर रहा है, तो दोनों तरफ का डीपी जो हैगा वो तो हमारा इक्वल होगा। क्योंकि पिस्टन बात में भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों तरफ का डीपी जो होगा वो तो हमारा इक्वल होगा। सो वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, N1RDT1 मस्ट बी इक्वल्स टू N2RDT2। ये बात तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि डीपी हमारा दोनों साइड पर सेम तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पिस्टन तो हमारा मूव नहीं कर रहा है। सो N1RDT1 N2RDT2 हम लोग यहां पर काटते, ठीक है। सॉरी, मैंने वॉल्यूम को सेम मान लिया। सॉरी, मैंने क्या कर डाला। एक मिनट, ये सब गड़बड़ हो गया। सॉरी, यहां पर ध्यान दो, N1RDT1 दैट विल बी V1 into dp (V1) और N2RDT2 दैट विल बी V2 into dp। वो डीपी जो है वो दोनों तरफ हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर भी प्रेशर पे तो कोई बदलाव हमारा नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, अच्छा यहां पर I² को दोनों तरफ इक्वेट कर दो, 1/R1 N1, ये डायटोमिक है तो 5R/2 into dt1 1/R2 into 3R/2 into dt2। सो नाउ डीपी यहां पर मैं V1 डीपी लिख सकता हूं। तो अगर हम ध्यान दें, 2 तो काट दो, तो 1/R1, चलो यहां पे 5 लिख दो, V1 into dp 3/R2 V2 into dp, ये हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास R2 जो आएगा
दैट विल बी आर वन इंटू थ्री वी टू बाई फाइव वी वन। एंड ध्यान देना, जो आर वन होगा ए सॉरी आर नॉट, बस एक गलती मत कर देना, एक टी मत लिखो, क्योंकि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर है वो हीलियम का टेम्परेचर थोड़ी ना है, वो टी तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लिखा गया है, यानी ए टी वन इंटू थ्री वी टू बाई फाइव वी वन है। हमें जो लिखना है वो तो इन टर्म्स ऑफ लिखना पड़ेगा हमें टेम्परेचर ऑफ हीलियम, तो बेसिकली हमें टी टू के टर्म्स पे लिखना पड़ेगा। एंड नाउ इफ आई सी फ्रॉम हियर, टी टू बाई टी वन विल बी वी टू एन वन बाई वी वन एन टू। एंड अब टी टू को पुट, टी वन के जगह पर टी टू पुट कर दो तो आर नॉट ए, टी वन पे क्या लिख सकता हूं, वी वन एन टू बाई वी टू एन वन इंटू टी टू थ्री वी टू बाई फाइव वी वन। एंड नाउ यहां पर हम फाइनली अगर देख ले तो इन जनरल अगर मैं टेम्परेचर टी के टर्म्स में लिखूं, आर विल बी आर नॉट प्लस ए, अच्छा एन टू का वैल्यू जो है वो है एम टू बाई कैपिटल एम टू, ए एम टू कैपिटल एम वन वी वन बाई एम वन कैपिटल एम टू वी टू इंटू टी इंटू थ्री वी टू by 5 V1। So that is the resistance variation with temperature। बस यहां पर छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि हमें तो variation of temperature with respect to helium चाहिए होगी और इन दोनों का temperature same नहीं है, तो यहां पर जब R1 put करेंगे तो हाइड्रोजन का temperature होगा, but ये वाला formula जो हम निकालेंगे उस पर जो put होगा वो हीलियम का टेम्परेचर होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन वन होगा आर नॉट प्लस ए टी इंटू थ्री वी टू बाई फाइव वी वन, वो चीज डेफिनेटली हमारा गलत है। विद दिस थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इज ओवर एंड नाउ वी मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके,